सेठ जी, चांदनी भाभी की तुम्हें फिकर बहुत है, इतनी तुमने सेठानी की कभी ना की। चुप रहे, तू भी ना बहुत बहुत मजे ले रहे हैं, मुझसे बता रहा हूँ, चुप रहे। ना ना, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ चल ठीक है। एक बात बताऊँ? हाँ देखो, आज पानी ना आएगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ बस सूखी सूखी कर दूँ। हाँ सूखी कर दे, क्या कर सकते हैं यार। मैं ये कह रहा हूँ कसम से, गर्मी ने ऐसा हाल बना रखा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे अंदर किसी ने ढाबा खोल दिया है और तंदूर वाली फीलिंग आ रही है, तप रहा हूँ मैं बिल्कुल। अरे सही कह रहे हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है छोटे, अब सोच ले। हाँ। कि जब पानी की तंगी ने जो है चांदनी चौक में कैसा सूखा डाल दिया है, ऊपर से पाइपलाइन फट गई, अब ये ठीक होने नहीं पा रही है, बताओ। ये तो इसका काम तो शुरू होना चाहिए ना। अरे यार छोटे। हाँ। आज तो अपनी खबर आई है चांदनी चौक की अखबार में। कौन सी है, सुना? हाँ तो सुन ले, चांदनी चौक पानी की तंगी से बेहाल, गर्मी के मारे वो दिन दूर नहीं जब चांदनी चौक रेगिस्तान में बदल जाएगा, लोग लाल किले से टाउन हॉल तक ऊंट पर जाएंगे, ऊंट के दूध की चाय मिलेगी और ऊंट के दूध का पनीर। अरे दरोगा जी, पहले आप ये बताओ कहाँ पहलवानी करने जा रहे हो तौलिया वालिया लपेट के। अरे आधी बाल्टी पानी थी, उससे भी सब्जी धो डाली साले ने। दरोगा जी, सबसे अच्छी तो आपकी सब्जी है, कम से कम उनको नहाने को पानी तो मिल रहा है पूरा, यहाँ तो एक बूंद नसीब ना हो रहा है। अरे दरोगा जी, आपके रहते हैं क्या समस्या चल रही है पानी की? देखो सेठ जी, पिंकी जी पुलिस इंस्पेक्टर हो रखे हैं, म्युनिसिपैलिटी के नहीं, जो ये सब खबरें रखे हैं। हाँ मंडी का भाव पूछ लो इससे, उसकी खबर है इसके पास, वर्दी पर कलंक। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी वर्दी पुरानी हो चुकी ना, तो नई सिलवानी थी आपको। अरे हाँ मंगीलाल, अच्छा तूने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। चल चल जाके वर्दी का ना नाप दे देते हैं। जी, जी जी। अच्छा सेठ जी, हम जा रहे हैं, बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। चलिए। हाँ चल चल। पागल है क्या, क्या कर रहा है, गंदा कर दिया मुझे। अरे नहीं भाई, इसे ना अपने यहाँ कौवा स्नान बोलते हैं, जैसे कौवा ना अपनी मुंडी नदी में ऐसे डुब डुबो के उसे लगता है कि उसने पूरा स्नान कर लिया, बस भाई उसी तरह की ना अपनी इमरजेंसी पानी बचत स्नान योजना है ये। अबे छोड़ यार, क्या जमाना आ गया, पानी की भी बचत करनी पड़ती है, ये सब टंटे ना आजकल के हैं भाई। अरे यार तेरे बड़े टंटरम हो रखे हैं। ओए ओए सुनो 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 सुनो, पानी चल परी, आइडिया यार। हाय रब्बा, इलू प्लीज इस बार कुछ उल्टा बुड्ढा मत सोचियो। बेटा उल्टे आइडिया से ही तो पानी आएगा। जोर से खोजे यार जरा। इलायची के पापा। अरे तुम्हारी ना खुजली बढ़ती जा रही है एकदम, एक टैंकर मंगा लो ना, नहा लोगे ना तो खुजली खत्म हो जाएगी। पागल हो रही है क्या है? खुजली खत्म करने के लिए वो 20 रुपए का पाउडर आता है, है? उसे मिटाने के लिए मैं 2000 रुपए का टैंकर मंगा दूं, पैसे बर्बाद करने का मुझे। अच्छा टंकी भैया। बैठो बैठो। क्या हुआ जीजी, कुछ कहा है इस आदमी ने तुमसे? इस आदमी से क्या मतलब है तेरा, पति हूं मैं इसका, बात कर रहा है। इसी बात का तो दुख है, अपना अपना सोचता है ये स्वार्थी आदमी, किसी को किसी के दुख तकलीफ से कोई मतलब ना है। और छटंकी भैया, तुम भी ना बात को कहां से कहां ले जाते हो, अपने एक रिश्तेदार है उनकी बेटी सुमन का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। भाई सही वक्त पे लड़की ढूंढी है मेरे लिए, अभी तो 3 महीने हैं हाथ में है। अरे 3 महीने बाद पेशी होगी इसकी, समझ रही है तू? सुन करूं मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, किसी की बेटी की जिंदगी मत बर्बाद करवा, बता दिया मैंने। चुप हो जाओ इलायची के पापा। छटंकी भैया, वो लड़की वाले ना तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने ना आज आने के लिए मना कर दिया सुमन को। तो कोई बात ना है, कल मिल लेंगे, लेकिन एक काम करना, जीजा जी को उसके आसपास भटकने मत देना, समझ गए? क्योंकि तुम अपने खुजाऊ आसन में बैठ जाओगे, हमारी शादी होने से पहले टूट जाएगी। अगर आपको अपनी खुजली की ठसक मिटानी है तो छोटे की दुकान पे चले जाना, हमें टेंशन मत देना। चुप रहे। अरे भाई साहब छिड़क लिया पानी, अब अगर भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तौल भी दो। अच्छा मजाक कर लेते हैं बहन जी, और क्या दे दें? एक काम करो आप ना, ये हमको आधा किलो आलू दे दो। जीजा जी। हाँ
पिंटू भाभी। अरे निकल, क्या हुआ, किसने छेड़ा आपको बताओ, अभी उसका मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। मेरा मतलब बुग्गू पीटेंगे उस गुंडे को अभी। उफ़ यार पिंटू भाभी, यहाँ पे सबको आप में इंटरेस्ट है, मुझे नहीं किसी ने छेड़ा, मैं तो ना किसी और बात के कारण रो रही हूँ। अरे आप घबराइए मत, आप बताइए क्या हुआ है, हम करेंगे आपकी मदद। क्या हुआ जीजा जी? वो इलू। इलू क्या? इलू क्या? अरे क्या इलू, इलायची जी क्या ठीक है वो? क्या क्या हुआ उनको? अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी ना तो आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे। अरे आप बताइए तो सही, सुनीता जी क्या हुआ है? वो क्या है ना, इलू एक ना जलपरी है और इतनी गर्मी में ना वो बहुत छटपटा रही है, उसकी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही है, बाय गॉड। अच्छा इलू जल परी है, क्या बात है क्या बात है, इतना बड़ा आज तक किसी ने नहीं फेंका है हमारे सामने। वेरी गुड सुनीता जी, वेरी गुड, मतलब आपको हम ही एक बेवकूफ मिले आज यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने कहा था ना आप मेरा यकीन नहीं करोगे जीजा जी, पर कोई बात नहीं, आप ना खुद चल करके देख लो, है ना, आप मेरे साथ चलो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ जीजा जी। अब सुनीता जी कह रही है तो बात सच होगी, सुनीता जी झूठ थोड़ी बोलेंगे, चलो एक बार चल के देख लेते हैं, है ना। थैंक यू पिंटू भाभी, पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी पानी, पानी, क्या? अरे क्या हो गया? अरे लाइजी जी क्या? अरे अरे क्या हो गया लाइजी जी? अरे 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 ये लीजिए। अरे आपको मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही जीजा जी, क्या पानी के बिना मेरा शरीर सूखा जा रहा है। अरे वो इलायची जी, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि सब्जी से लेकर इंसान तक सब सूख गए हैं, आप ये बताइए इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, मतलब जान पूछ के अनजान मत बनिए जीजा जी। मुझे पता है, सुनो ना मेरी हालत के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। देखिए इलायची जी, हमें सुनिए पहले, आप ये पैर छपछपाना बंद कीजिए, हमें सुनीता जी ने ना आपकी ये जलपरी की कहानी सुना के बहुत टाइम पास कर लिया उन्होंने, अब आप क्या हमें अपनी कहानी की क्लाइमैक्स सुनाने आए, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो मतलब आपके कहने का मतलब क्या है, कि मैं आपको इस बार भी तंग करने के लिए सब कर रही हूँ? जी मतलब मैं हर बार आपको झूठी कहानियां सुनाती हूँ? जी मतलब इस बार भी आप मेरी बातों में फंस जाएंगे? जी है जी। जीजा जी विश्वास दिए ना आपको, ठीक है कोई बात नहीं, पूनम की रात को खुद अपनी आंखों से आकर सच्चाई देख लीजिएगा। लाइफ में टंटे हो रखे मेरी। हेलो। हाँ भाई साहब बोलिए। अबे नहीं मिलते यहाँ पे समोसे, अबे नहीं मिलता यहाँ पे कुछ ऐसा खाने पीने का आइटम, यहाँ पे साड़ी लेंगे मिलते हैं समझा। इलायची जी, सुनीता जी आइए जीजा जी। अच्छा किया आप लोग आ गए, मैं ना बहुत परेशान हो गई थी, इलू की ऐसी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही, बाय गॉड। पर इलायची जी है कहाँ? मैं जीजा जी अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, मैं कह रही थी ना कि हर पूर्णिमा की रात को मैं जलपरी बन जाती हूँ ऐसे ही। अच्छा जीजा जी एक बात याद रखिएगा जी, प्लीज ये बात ना हम सबसे बाहर नहीं जानी चाहिए वरना बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। हाँ हाँ कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, कहीं कोई पागल साइंटिस्ट या कोई मीडिया वाला आ जाएगा और मुझे यहाँ से उठा के ले जाएगा, म्यूजियम में रख देगा, और आपको तो पता है मुझे एक जगह टिकने की बिल्कुल आदत नहीं है। म्यूजियम में भी तो देखने के पैसे लगते हैं। आप फिक्र मत करिए, हम आपका राज अपने साथ ही लेके जाएंगे। हाँ हाँ जीजा जी, हर बार तो मैनेज हो जाता था कैसे ना कैसे करके, लेकिन देखो ना इस बार कितनी गर्मी है, दम जले हुए भुट्टे जैसी हो गई हूँ मैं, बस अब तो दिल करता है पानी से भरे हुए पूल में बस डुबकी लगा दूं, मतलब लेट जाऊं ऐसे। इलायची जी हमको तो ये लग रहा ना कि ऐसी गर्मी में आप पानी में बैठे बैठे कहीं उबली हुई शकरकंद ना बन जाए। पिंटू भाभी तब को ना मैं गैस पे रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप इलायची जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए पानी लेके आएंगे, हम लेके आएंगे मतलब कैसे भी जैसे भी हम लेके आएंगे। अबे तू क्या कुआं खोद के लाएगा पानी?
मैं कह रही थी कि गुगू आसपास कहीं कुआं तो है नहीं, तो पानी कहाँ से लाओगे? वो दरअसल क्या है ना बुबू जी, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सर पे ना गर्मी चढ़ गई है, जोर से सांस अंदर बाहर लो, सब ठीक हो जाएगा। इलायची जी, आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये हुआ कैसे, आप ये बनी कैसे? वो क्या है ना चीता जी, एक बार ना एक साधु ना तपस्या कर रहा था और इलू ने ना गलती से उनके ऊपर पानी डाल दिया। तो वो साधु ने इलू को श्राप दे दिया कि वो हर पूनम की रात ना जलपरी बनेगी और उस रात को वो हर बार तरसेगी पानी के लिए, और देखो ना वो ही हो रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। एक काम करिए इलायची जी, सुनीता जी, आप हमें जल्द से जल्द बताइए कि वो साधु जी कहाँ है, हम खुद जाके स्वयं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, हम उन्हें कहेंगे गलती होगी इलायची जी से, उन्हें माफ कर दीजिए, आप बताइए। अरे कोई साधु है ही नहीं ना, लेकिन है जी। इलू का मतलब ये है कि साधु इसलिए नहीं है क्योंकि ना वो साधु अंकल की ना डेथ हो गई, तो वो श्राप निकाले बगैर ही चल बसे। हाँ जी, इतनी जल्दी चल बसे? जी, हमें ये जान के बड़ा दुख हुआ। आधी मछली चलते हैं। आधी मछली नहीं, जलपरी है, जलपरी। बहुत सदमा लगा गुगु को, बहुत बुरा लगा है। चटंगे भैया, लो चाय पियो। ये काम अच्छा करा भैया। अच्छा छटंकी भैया, आज ना आलू के पराठे बनाए हैं मैंने, खाओगे? ले करूं, ये रसोई में जाके रख गया। जी जी, पराठे नहीं खाऊंगा मैं। पराठे खाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन तूने चाय बहुत अच्छी बनाई है, कमाल की चाय बनाई है तूने। अरे चाय तो अच्छी बननी थी ना, अच्छी तरह से अदरक को मैंने बेलन से कूट के जो डाला था। क्या हुआ, मुफ्त की चाय पचना रही है कैसे? जी जी, एक बात बोले, तुम्हारे घर में ना ढंग से पानी आता है ना लाइट आती है भैया, इससे अच्छी जिंदगी तो हमारी जेल में कट रही थी। आराम से लेट के क्या पर्राटेदार हवा सामने वाली खिड़की से आती थी, वहां पे तुम्हारी कसम बड़ा अच्छा लग रहा था वहां पे। अरे तो जेल जाने में तुझे कितनी देर लगेगी, बाजार का एक राउंड मार के आ जा, किसी ना किसी कांड में फंस जाएगा, तुझे ले जाएंगे वो लोग। अरे सेठ जी, पानी अभी तक नहीं आया, बड़ी गलत बात है ये तो। तुम उससे क्यों शिकायत कर रहे आइए, मैं कहना नल की टोटी हूँ जो एकदम खोलेगा निकल पड़ेगा पानी, बात कर रहा है बेकार की। क्या है पापा यार, जब तक नहीं नहाऊंगी स्कूल नहीं जाऊंगी, डील हो चुकी है ना, अभी बार बार नहीं बताऊंगी मैं आपको। गुड मॉर्निंग जीजा जी। क्या गुड मॉर्निंग इलायची जी, कल सुबह से नहाए तक नहीं हम। ओफ, तब भी इतना फ्रेश लग रहे हैं। हैं जी? जी मैंने कहा कि फ्रेश हो जाएंगे नहाते ही। हेलो, आ भैया टैंकर भिजवाओ जरा। कितने का? 2500 का? अरे तो बहुत महंगा है भैया, कोई स्विमिंग पूल ना बनवा रहा हूँ मैं। हाँ तो पैसे बता रहे हो फिर कह रहे हो। अच्छा भैया ठीक है चलो, ऐसा टैंकर खत्म हो गए हैं। वो बता रहे हैं कि पाइपलाइन जो फट गई है उस पर मजदूर इसलिए काम करने ना आ रहे हैं कि वो नहाए ना आए बहुत दिन से। हाँ तो नहाने का तो ये चक्कर खत्म भैया, आप सोच लो। देख रहे हैं भजेंद्र, आज मैं चांदनी चौक का सबसे रईस आदमी हो रहा हूँ। वाह भाई छोटे,
कहाँ से जुगाड़ लगाई? अरे बेटा जुगाड़ की मत पूछ, एक लड़की बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी, कहने लगी एक दिन घर आ जा, हेयर कट कर देना, मसाज कर देना। मैंने कहा वो सब तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तेरा प्यार ना चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एक बाल्टी पानी। ये लेके आ गया मैं। सही है भैया छोटे, सही है। मतलब आजकल तेरे जैसे लड़कन से लड़की पट रही है, और एक इलायची है तो वो बिल्कुल भी भावना दे रही। बेटा वो वैसे भी कभी भावना देगी, जिंदगी में भावना देगी। चल भाई शकल देगी अपनी। आ जा रहा हूँ। थोड़ी ये सब्जियां धो लूं, पिंकी जी पूछ रहे। दरोगा जी माफ करो, मुझे पानी की उम्मीद नहीं, पानी ना दे पाऊंगा बस। तो चलो छोटे, पिंकी जी अपनी सब्जियों की इंसल्ट का बदला लिए बिना बैठने वाले नहीं है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, चलना। अरे घर जाके नहा लियो। अरे अरे छोटे क्या बात है, गर्मी में इतना क्यों शक्ल बिगाल रखी है तूने? अरे सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ, ये दरोगा भी देखो बड़ी मुश्किल में तो एक बाल्टी पानी का इंतजाम हुआ है, ऊपर से ये कह रहा है कि मेरी सब्जियों को धो दो नहला दो। बताओ आदमी नहीं नहा पा रहा, सब्जियों को नहलाने की बात कर रहा है। अरे वाह, अरे अरे रुक तो जा, एक बहुत बढ़िया। अरे रुक तो एक मिनट, मैं पानी पानी दूर से देख लो, दूर से सूंघ लो। हाँ मैं सुन तो, मैं क्या कह रहा हूँ बोलो आराम से बोलो। हाँ ये जो कोई सब्जी धोने का काम आएगा, अरे ये तो नहाने काम आएगा, एक काम कर ये मुझे दे दे। हाँ दे दो तू, दे दो पानी, पानी की बात दूर से। बड़ी मुश्किल से मेरी बात समझने की कोशिश करो, धंधा चल रहा है मंदा, कस्टमर के चक्कर में लाया बाल्टी पानी, कम से कम पानी देखेंगे कस्टमर आएंगे धंधा चलेगा मेरा। अच्छा। तो मैं अपनी पड़ी है खोजा लो। अच्छा ऐसी बातें करेगा तू, ऐसी बातें करेगा, पानी की बात ना करो। मतलब कस्टमर तेरे लिए बड़े आदमी हैं, हैं? और खुजली मेरी कुछ ना तेरे लिए। एक सेकंड, खुजली हो रही ना? हाँ। खुजली हो रही, हाथ अलग करो, मैं खोजा दे रहा हूँ, मैं खुजा दे रहा हूँ, पानी की बात ना करो। अच्छा ऐसी बातें करेगा तू, एक बार बता रहे हो, जब पानी भी तेरे ना रहेगा, अरे तू पानी के लिए दोस्ती भूल गया। एक सेकंड, दोस्ती 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 तो वही है, दोस्ती वही है जहाँ थी। लो पसीना आ रहा था फिर भी मैंने पप्पी ले ली, लेकिन पानी की बात ना करो, पानी अपनी जगह दोस्ती अपनी जगह। तो जा, मैं तुझे शराब दे रहा हूँ। मैं पीता ही नहीं हूँ। अबे शराब दे रहा हूँ शराब। इतने से पानी के चक्कर में शराब दे रहे हो, बद्दुआएं दे रहे हो? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल शराब दे रहा हूँ। देख अगर तू मेरा ना तो ये पानी तेरा नहीं, और देख रहे हो उस बाल्टी में इतने छेद होंगे कि पानी ऐसा सरासर सरासर चला जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। तो मैं भी तुम्हें शराब दे रहा हूँ, तुम्हारी लहंगे की दुकान में और तुम्हारे लहंगों में इतने छेद होंगे, जिंदगी में एक लहंगा ना बिकेगा, पानी ना मिलेगा। जाओ बात कर रहा है बेकार, तुम जाओ ऐसा। अरे पानी मिलेगा नहीं, पानी ले लो, ऐसे ले लो, कोई ना ले पाएगा पानी। अरे यार ये सुबह सुबह पापा छत पे क्या करने जा रहे हैं? अरे यार मेरे तो समझ में ना आ रहा कि तू ये बेबी स्विमिंग पूल क्यों बना रहा भाई। ओ भाई इसे भरने में ना इंद्र देवता को भी अपना साल का बजट बढ़ाना पड़ेगा, सुन रहा है? अरे भाई कैसी बातें कर रहा है यार, तूने ही तो मुझे बोला था कि छोटे नाई के पास एक बाल्टी पानी पड़ा है। अरे यार एक बाल्टी पानी में तो इसका गला भी गीला ना होगा। अरे भाई लेकिन बूंद बूंद से ही सागर भरता है ना। अरे जी कहां से लाएगा बूंदे, तेरे दाऊ ने तेरे नाम कुआ कर रखा है क्या? सेठ जी आप यहाँ? ना ना मैं तो नीचे सो रहा हूँ, तेरे सामने तो शाहरुख खान खड़ा है। अरे क्या कर रहा है तू? सेठ जी ये बेबी पूल है, छोटा तालाब, छोटा तालाब। अच्छा पिछले जन्म में तू चिड़ा था क्या है? बड़ी परवाह है तुझे चिड़ियों के नहाने की? नहीं नहीं सेठ जी ये हमारे लिए नहीं है, ये तो क्या, तो क्या कह रहा है तू, बोलना पूरी बात। हमारी औलाद के लिए। ओहो इसका मतलब मिसेस पंचम उम्मीद से है? ना ना ऐसी तो कोई उम्मीद ना है। मतलब सेठ जी बुबू का कहने का मतलब ये है कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी वो अभी पेट से नहीं है। अच्छा मजाक हो रखा है ये तो। कि बच्चा पैदा हुआ नहीं उससे पहले जो है उसके लिए घाघरे चलने लगे, वाह। अरे ऊपर वाले ने ये बेवकूफों को वो क्यों ना दिए सींग, जो अलग से पहचान में आ जाते कि ये रहे बेवकूफ। क्या है पापा क्यों परेशान कर रहे हो, मियां बीवी के बीच का मामला है ना, आप क्यों घुस रहे हो? बच्चे पैदा करने होंगे तो कर लेंगे ना खुद से। अरे मैंने कब मना किया बच्चे पैदा करने के लिए, मैं तो अपने काम की बात कर रहा हूँ। सेठ जी हम भी बस आपको यही बता रहे थे कि हम दरअसल तैयारी कर रहे थे ताकि ऐन वक्त पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए ना, बस यही था। हाँ बस यही था। ये तो वही बात हो गई कि गैस पे हांडी रख दी और उससे पहले ही जो है मुंह चलाने लगे ऐसे। ना जाने कहां-कहां से पाल रखे मैंने ऐसे बेवकूफ, बात करना बेकार की। सेठ जी बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.